हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा इस मिनी बक कन्वर्टर के ऊपर कि आप इसको कहां कहां पर किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। तो उससे पहले मैं कुछ इसके बारे में आपको बता देता हूं। तो ये जो मिनी बक कन्वर्टर है ये मार्केट में 50 रुपये में मिल जाती है और इसके आउटपुट में आप काफ़ी सारे वोल्टेजेस को ले सकते हो, अपने हिसाब से आउटपुट में ले सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, और इन सारे अगर किसी को भी आप जम्पर नहीं करोगे तो आपको मिलेगा 1.25 वोल्ट। तो ये काफ़ी गाइस हमारे रिपेयरिंग काम के लिए बहुत ही मदद करती है ये किट, चाहे आप लैपटॉप रिपेयरिंग कर रहे हो, चाहे LCD LED कर रहे हो, चाहे आप स्मार्ट TV रिपेयरिंग कर रहे हो, तो ये काफ़ी काम में आते हैं। तो गाइस इसके ऊपर कुछ आपको एक्सपेरिमेंट करूंगा कि अगर हम इसको एक साथ जोड़ देंगे तो किस तरीके का वोल्टेज हमें देखने को मिलेगा, या हम इससे दोनों को जोड़ेंगे तब हमें किस तरीके का जो आउटपुट हमें मिलेगा, कितने वोल्टेज हमें मिलेगा। उससे पहले गाइस माइक्रोस्कोप के ज़रिए आपको कुछ यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा हुआ है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, और उससे बाद आपको इसको सारे जोड़ के दिखाऊँगा कि किस किस तरीके से आप वोल्टेज निकाल सकते हो जो भी लिखा हुआ है। इसके अलावा कोई डिफरेंट वोल्टेज हमें आउटपुट में मिलता है कि नहीं वो हम देखेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, उसके बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो अभी हमारा जो माइक्रोस्कोप है वो अभी ऑन पोजीशन में, और अभी मैं इसे किट को इस माइक्रोस्कोप के नीचे रखने वाला हूँ और हम देखने वाले हैं कि इसके अंदर जो रजिस्टर यूज़ किया गया है वो कितने कितने वैल्यू का है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो 5 वोल्ट के लिए जो रजिस्टर लगाया गया है यहाँ पर वो है 05C वैल्यू का। इसका मतलब है कि यहाँ पर 11K का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 05C का मतलब 11K। और उसके बाद 3.3 वोल्ट के लिए यहाँ पे रजिस्टर जो यूज़ किया गया है वो 203 नंबर का, यानी कि 20K। और उसके बाद आप नीचे देखोगे 2.5 के लिए यहाँ पे जो रजिस्टर यूज़ किया गया है वो 333 नंबर का है, इसका मतलब 33K, यानी कि 33 किलो ओम का ये रजिस्टर है हमारा। और उसके बाद नीचे देखोगे, अगर नीचे देखोगे 1.8 वोल्ट के लिए जो हमारा रजिस्टर यूज़ किया गया है वो 753 नंबर का है, इसका मतलब है 75 किलो ओम का ये हमारा रजिस्टेंस है। और उसके बाद अगर नीचे देखें 1.5 वोल्ट के लिए जो रजिस्टर यूज़ किया गया है वो 22D का, जो 22D नंबर का यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है, इसका मतलब है कि 165 किलो ओम का ये रजिस्टर है। तो आपको पता चल गया होगा कि किस वोल्टेज के लिए किस वैल्यू का रजिस्टर यहाँ पर लगाया गया है। तो इस बोर्ड का जो खास बात ये है कि जिस सामने जो भी यहाँ पे देख सकते हो 5 वोल्ट लिखा हुआ है, तो अगर ये दोनों को आप जोड़ दोगे तो आपके आउटपुट में यहाँ पर जो आउटपुट है इस आउटपुट पे आपको 5 वोल्ट मिलेंगे। और उसके बाद जो नीचे है 3.3 वोल्ट लिखा हुआ है, अगर इन दोनों के अगर जोड़ दोगे तो आपको आउटपुट में 3.3 वोल्ट मिलेंगे। लेकिन आपको ये नहीं बताया अगर हम 5 वोल्ट और इससे 3.3 वोल्ट को जोड़ देंगे तो आउटपुट में कितने वोल्टेज निकालेंगे, मतलब निकलेगा और हमें मिलेगा। तो इसके ऊपर वीडियो आपको अवेलेबल नहीं होंगे, तो चलिए आज हम देखते हैं इसके अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट करके कुछ अलग से मिलता है कि नहीं। तो सबसे पहले जिसको जोड़ने वाला हूँ वो 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट, तो देखते रहिए आप किस तरीके से हम जोड़ते हैं इसको। देख सकते हो 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट को हमने एक साथ जोड़ दिया हूँ। तो चलिए अब इसका आउटपुट में कितने वोल्टेज मिलता है हम देख लेते हैं। और इसका इनपुट में आप मैक्सिमम 15 वोल्ट तक इनपुट कर सकते हो, लेकिन हम इसके जो इनपुट पे 12 वोल्ट इनपुट करेंगे हमारे पावर सप्लाई के साथ। तो चलिए आपको दिखा देता हूँ, सबसे पहले सेट कर लेता हूँ हमारा 12 वोल्ट। तो ये रहा हमारा पावर सप्लाई, तो इसको हम रखता हूँ 12 वोल्ट DC पर, यहाँ पर हम सेट कर लिया 12 वोल्ट। देख सकते हो पक्का 12 वोल्ट है, और अब हम इसके अंदर इनपुट करेंगे कुछ इस तरीके से। तो रेड वालों को हम यहाँ पे लगाएंगे और इस ब्लैक को लगाएंगे यहाँ पे। तो चलिए आप देखते हैं इसका आउटपुट का जो वोल्टेज है वो कितना हमें देते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे रखता हूँ इसको वोल्टेज पे सेट करके, और इसके बाद हम आउटपुट का जो वोल्टेज है वो हम देखेंगे। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं।
तो देखिए हमें 7.12 वोल्टेज हमें आउटपुट पे मिल रहा है, जबकि हमने यहाँ पे सेट किया 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट, तो यहाँ पे हमें आउटपुट पे 7.12 वोल्ट मिल रहा है। तो अगर आपको 7 वोल्ट या 7.1 वोल्ट कहीं पे भी आपको ज़रूरत है तो आप इस किट को भी इस्तेमाल कर सकते हो कुछ इस तरीके से शॉर्ट सर्किट करके। और उसके बाद हम जो नीचे वाला वायर है, जो ये सेक्शन है, इसको भी हम जोड़ेंगे। ये है 2.5 वोल्ट, तो चलिए इसको भी हम जोड़ लेते हैं और उसको बाद देखते हैं। तो गाइस हमने जो यहाँ पे 2.5 वोल्ट था इसको भी हमने जोड़ दिया हूँ, देख सकते हो हमने जंपर करके यहाँ पे शॉर्ट करके दिया, शॉर्ट कर दिया हूँ। तो अब देखते हैं इसके आउटपुट में कितने वोल्टेजेस मिलता है हमें। देख सकते हो आउटपुट में हमें 8.35 वोल्टेज मिल रहा है। तो हमने जब दोनों एक साथ जोड़ा तो 7.1 वोल्ट मिल रहा है, और तीनों को एक साथ जोड़ा तो हमें मिल रहा है 8.3 वोल्ट। तो अगर आपको 8.3 वोल्ट कहीं पे भी जरूरत है तो आपको इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद हम नीचे वाला जोड़ते हैं, देखते हैं। तो हमने फिर से जोड़ दिया हूँ 1.8 वोल्ट, आप जैसे कि देख सकते हो हमने 1.8 वोल्ट का जो आउटपुट था उसको भी जोड़ दिया हूँ। तो चलिए आप देखता हूँ कि इसका आउटपुट पर हमें वोल्टेज कितना मिल रहा है। तो ये रहा हमारा मल्टीमीटर का प्रॉब, आप देख सकते हो यहाँ पर हमें 8.90 वोल्टेज मिल रहा है, तब कि हमें 8.3 वोल्ट मिला था, अब 8.9 वोल्ट मिल रहा है। उसके बाद नीचे जो एक था और रहेगा 1.8 वोल्ट, इसको भी हम देखते हैं जोड़ के कि हमें सारे के सारे एक साथ जोड़ने के बाद कितना वोल्टेज हमें आउटपुट में देखने को मिलता है। तो गाइस फाइनली हमने जो सारे जो आउटपुट था एक साथ हमने जोड़ दिया हूँ, आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सारे के सारे जो हमने जम्पर करके जोड़ दिया हो 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 1.8 वोल्ट एंड 1.5 वोल्ट। तो चलिए अब इसका आउटपुट पे हमें कितने वोल्टेज देखने को मिलता है इसको मेजर करके देख लेता हूँ। और चलिए ये हमारा मल्टीमीटर का प्रॉब है। तो गाइस फाइनली हमारे आउटपुट पे मिल रहा है 9.14 वोल्ट, यानी कि अगर आपको 9 वोल्ट का कोई भी पावर सप्लाई की ज़रूरत हो तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इसका मतलब आप कितने सारे वोल्टेज इस एक बक कन्वर्टर के ज़रिए आप निकाल सकते हो। सबसे पहले तो जो लिखा हुआ है इससे बोर्ड के ऊपर वो ले सकते हो, और उसके अलावा भी आप 7 वोल्ट, 8 वोल्ट, 9 वोल्ट, 7.3 वोल्ट, 8.3 वोल्ट, इस तरह की जो वोल्टेज है आप अलग अलग तरीके से इसके अंदर से निकाल के आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। तो अगर आप इस किट को परचेज़ करना चाहते हो तो अपने लोकल मार्केट में जाइए और बोलिए कि हमें बक कन्वर्टर चाहिए वेरिएबल वाला, तो आपको ये मिल जाएंगे। और अगर आपको ऑनलाइन परचेस करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ पे जाके इस किट को परचेस कर सकते हो। सो गाइस अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है इस किट के बारे में तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। उसके अलावा आप मेरे साथ अगर पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो, तो मैं जितना जल्दी हो सके आपको रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू गाइस इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए।